बोलता था कि अंदर कोई खोपड़ी सा। अरे ईशान हंस देगा, हंस देख वाली ईशान। रेडी, मैंने ये ना प्लेन वाला सूट ये अंशु ने दिया था, ये प्लेन सिलवाया था मैंने सूट। इसकी सलवार तो वैसे भी रहती है, लेकिन ये मेरे पहले वाले की मिल गई चुन्नी भी और सलवार भी। तो ये बताइएगा कैसा लग रहा है, प्लेन वाला है ये? ये लैस लूस लगवा ली थी इसकी यहाँ पे, और ये गले पे भी लगवा रखी है मैंने। ये हम वापस से जा रहे हैं दादी और को लेने के लिए, वापस से बहुत बार जा चुके हैं हम वापस जा रहे हैं। बहुत खुशी हो रही है कि दादी आ रही है हमारे पास, मजा आ रहा है। अयान को भी बहुत मजा आ रहा है। अयान, अयान कितना मजा आ रहा है आपको? अच्छा। अच्छा मतलब कितना? ओ, बहुत ज्यादा। क्यों? क्यों क्या, दादी आ रहेगी? और तू पहले ऐसे बोलता था कि अंदर कोई खोपड़ी सा कैसे बैठा हुआ है। अभी वैसे ही बैठा हुआ है कैसे करके। तो अभी हम पुल पे पहुंच चुके हैं और सड़कों को हम उतर सिया के पास ही पहुंचने वाले हैं। मजा आ रहा है, और हमें थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं सिया दादी के पास में, और बहुत मजा आएगा। और देखिए ये खेला इसने। हंस आगे दिखा, ओ बोलिया। ये सारे बच्चे आ गए हैं, और ये सिया और ये बोड़ी, देखो इसके दांत। क्या कर रहे हो? क्या? अरे बच्चों क्या कर रहे हो? क्या कूट रहे हो? चटनी बना रहे हैं। मम्मी को बनाने दो, मैं बनाऊं थी। बच्चे पहले मम्मी ले आम कर दे। और ये साथ लाग रहे हैं आपके चाचा में। मैं बनाऊं जब तक ना आवे। अरे मिर्ची, हरा धनिया, नमक और ये चने। चने की चटनी, हमारे घर के चने हैं, है ना? पापा और बुआ और नीचे बैठ के निकाल लेते हैं ये चने। फोन ले जाने की करता हूँ। अच्छा तू ले दे एक आते।
देखो ऐन दिखा दे गोली मार रहा है देखा भाई देखा बखत क्यों है कितना टाइम हो गया मुफेरे का दी फालतू खाई जा और अच्छा किसी लागी चटनी हैं चटनी गड़े बढ़िया कौन है मुफेरे मुफेरे बनाई है थोड़ी थोड़ी लाऊं देखा मैंने मैं देखूं जी बता बढ़िया कौन है तेरे हाथ की बढ़िया बना फिर भाभी से देख ली थी ना फिर ऐसे तो फिर भी बुरा मान जाएगी भाभी की तारीफ कर दी तो भाभी खुश हो जाएगी खाना लग रहा भाभी ने कोई तारीफ नहीं करानी एक और लेगा तीन खाया करा चार रोटी झूठ बोल रहा है झूठा एक और चार रोटी खा रहा इसका मतलब ही ना चटनी बढ़िया लग रही छुपा रहा है भाभी ने अपनी चटनी की बहुत पसंद आई है तारीफ नहीं कर रहा झूठा इंसान है परदीप बैठा ना अपनी पोजीशन में कुकर रोटी खाया कर एक बार दिखाइए तू सारा ने सब ने दिखाइए तू कुकर रोटी खाया कर दे मेरा देवर ऐसे बैठ कर रोटी खाया कर ज्यादा खाई जा फिर अर पेट भी ना हुआ देखा ऐसे खाया करो सब बैठ ले एक बार फिर मैं बताऊंगी कुकर बताइए सुमिता कुकर बैठा था ये इसी बीच में फंस गया ये नू रोटी खाया कर और भी हो गया वीडियो बनेगी तो ऊपर बैठ गया जाकर दो में बैठ लिया ना नहीं वो हमेशा नीचे बैठ कर रोटी खाए इन्हें सुना दे क्या करना बैठक करने भी ये बीच में फंस गया करे और हम आ रहे हैं यहाँ पे सब्जी लेने के लिए ये देखो बारिश हो रही है और बस एक आधी दुक्का ये रेहड़ियाँ दिख रही हैं एक आधे तो हैं हमने ले ली सब्जी ये ऐसे लग रहा था कि मिलेगी नहीं कमी बाकी ये दिख ही रही होंगी आपको इतनी भीड़ नहीं है आज गायें आ गई हैं यहाँ पे बहुत सारे गायें बछड़े मैंने ये ले ली अपनी सब्जी का ये थैला मेरा और ये नीचे है प्याज दादी के पास खेल लो क्या खेल रहे हो बताओ मेरी तरफ मुंह करके बताओ आराम से सीधे पैर कर सीधे सीए ने सजा दी है इनको सजा नहीं थी उंगलियों पे नचा दिए उंगलियों में नचा दिए चलो मारो तो सीए ने तुम्हें गार्डन बैठक मारो अरे नहीं फिर से मारनी अब फाइव हुई थी फाइव रहती है हाँ, कर ली हाँ, ऐसे करो थ्री ऐसे होगी ना इसने सिया को मार दिया था अब सिया ने इनसे सॉरी बुलवाया है और दंड बैठक मरवाई है बस ठीक है सिया और आपने ढंग से नहीं मारा चले यार मारो तेरी बारी है क्या मजा आ रहा है देखो सर पे लगा लियो कुछ नहीं होता मैंने बोले सर पे नहीं हाथ पे बोले पापा ने बोला कि मेहंदी हाथ पे लगा लिया मैं वहाँ पे मारेंगी फिर मैंने बोला कि वहाँ तो बाद में जाएंगे ना छुट्टियाँ पड़ी हुई है अभी तो छुट्टियाँ कल लगाएंगे मेहंदी कॉम्पिटिशन इशू को आती है ना मेहंदी लगानी मेरे को आती है खुद को मेहंदी लगानी खुद को एक हाथ पे बाकी एक पे खुद से लगा लेना और कंप्लीट हो जाएगी मेहंदी यानी किल लगाएगा मैं तो आती लड़का बना देगा एक बस किल भी लगा सकता है मेहंदी का डिजाइन या लगा देगा यहाँ पे भी कहते हैं ये क्या हो गया यार उनको एक दिन मैंने ऐसे कर लिया तो मैं लगी
जगह लगेगी। मेहंदी के टब कौन बनाएगा? मेहंदी के टब में कूदेगा, इसको तो ये आइडिया आते हैं। मेहंदी के टब में कूदेगा, पानी डालो, सो कुपी लो मेहंदी की, उसमें जोड़ो पर आधी रह जाएगी, उसमें उसको उतारेगा कौन मेहंदी को? मेहंदी के टब में खुद ही निकली दिखाएगा खुद के। और क्या आप बता रहे हैं तो प्रैक्टिकल करके दिखा। हंस देगा, हंस देख परेशान, हंसा ना दे, बोलियो निगड़े हे तड़के भी हंसा था, टीवी देख रहा था, टीवी देख रहा है, देख और यार मैं देखना ले यो, ओए फोन देख यो, हां किए कर रहे हैं जब पता किए कर रहे हैं, किए कर रहे हैं, हां हम आए हैं यहाँ पर भाप लगवाने के लिए। ईशान को ना भाप लगेगी, इसके छाते में थोड़ा सा जमा हुआ होगा बलगम, तो अभी ऑक्सीजन की भाप देंगे यहाँ पर। और बच्चे अंदर बहुत बीमार हो रखे हैं, एडमिट हो रखे हैं सारे, लगवा रही हैं भाप मैं जब तक, ये दवाई का बच्चा है, दवाई लेकर आ रही हूँ, दवाई लेके आ रही हूँ, खाने के लिए आए हैं और मैंने दवाइयाँ ले ली हैं क्योंकि लेट नहीं होंगे, तब तक ये है कि दीदी उसको भाप लगवा लेंगी। मैं जब अंदर जाके देख रही हूँ कि उसको भाप लग गई है या नहीं, क्योंकि फिर घर भी जाना है, लेट हो रहे हैं, बच्चों का नहीं बता भी ना आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। और बताइए कि आज का व्लॉग कैसा लगा, सारी फैमिली से मिलकर सबको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और व्लॉग को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जब तक के लिए बाय बाय।